In this video, we will talk about neonatal jaundice, important topic for university exam. आप इस वीडियो को यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉर MCQ पर्पस. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग न्यूनेटल जॉन्डिस को क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है क्या न्यूनेटल जॉन्डिस में जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, और इस वजह से हमें न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज देखने के लिए मिल सकता है. तो सो दैट कि हम लोग अप्रोप्रिएट मेजर्स ले पाए और जो न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डैमेज है, वो हम लोग प्रिवेंट कर पाए. टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, क्या कितने परसेंट टर्म यूनिट में हमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है और कितने परसेंट प्री टर्म यूनिट में हमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है? फॉर टर्म यूनिट्स इट इज़ बिटवीन 50-60%, एंड फॉर प्री टर्म इट इज़ अप टू 80%. ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है. क्यों प्री टर्म में हमें ज़्यादा परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू टर्म? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? फ्रॉम इट्स पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम लोग टू इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वन इज़ फिजियोलॉजिकल एंड अदर इज़ पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमें क्यों देखने के लिए मिलता है और कब देखने के लिए मिलता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ड्यूरिंग फर्स्ट 2 वीक ऑफ लाइफ जो न्यूनेट का लीवर है वो उतने अच्छे से कॉन्जुगेशन नहीं कर पाता है, एंड ड्यू टू दिस नॉन कॉन्जुगेशन हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज देखने के लिए मिलता है. तो एक तो कॉज क्या हो गया, डिक्रीज हिपैटिक कॉन्जुगेशन, और दूसरा कॉज क्या हो जाएगा फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. और हमें पता है क्या बिलीरुबिन कहाँ से बनता है, फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है, फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ RBC. तो अगर हम आपको बताएं क्या हमारे और आप में RBC का जो लाइफ स्पेन होता है, दैट इज़ 120 डेज, अगर न्यूनेट की बात करें तो 90 डेज, और प्री टर्म न्यूनेट की बात करें तो 60-80 डेज. तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं क्या प्री टर्म में 60-80 डेज में ही RBC का हिमोलिसिस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू न्यूनेट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्या कितना लाइफ स्पेन होता है RBC का इन न्यूनेट्स एंड प्री टर्म्स न्यूनेट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी. और इससे हम लोग एक चीज ये भी समझ पा सकते हैं क्या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कौन सा एस्पेक्ट होगा बिलीरुबिन का जो हमें इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्पेक्ट. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट की फीचर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. अपीयर ऑन day 2 एंड day 3 ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट 24 आवर में ही जॉन्डिस देखने के लिए मिल रहा है, इट इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल, इट इज़ पैथोलॉजिकल. यहाँ पे जो हमें सीरम बिलीरुबिन लेवल देखने के लिए मिलता है एवरेज 5-8 mg/dL, ठीक है, बट इट नेवर एक्सीड्स 12 mg/dL इन टर्म एंड 15 mg/dL इन प्री टर्म. और यहाँ पे जो हमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलेगा, दिस इज ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और यहाँ पे मैंने ऑलवेज लिख रखा है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार MCQ में पूछा जाता है. ठीक है, ऑलवेज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कैन बी ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड एज वेल एज ड्यू टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. और क्लिनिकली ये इम्प्रूव कर जाएगा 7-10 डेज इन टर्म एंड 10-14 डेज इन प्री टर्म, क्योंकि इस टाइम तक जो लीवर है वो अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, जो RBC का हिमोलिसिस हो जा रहा था वो अब उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए ये क्लिनिकली इम्प्रूव कर जाएगा 7-10 डेज इन टर्म एंड 10-14 डेज इन प्री टर्म. आप लोग जब वार्ड ड्यूटी में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है उसको फीमेल जो है धूप में रखती है ना, धूप में क्यों रखती है, दैट इज़ फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, है ना. धूप में रखेगी तो उससे क्या होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चला जाएगा, और इससे जो टॉक्सिसिटी होने का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा. मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉज बताया, दैट इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड डिक्रीज हिपैटिक कॉन्जुगेशन. तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमें कब देखने के लिए मिलेगा, दिस इज ड्यू टू हीमोलिसिस. और हमें पता है क्या, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल होगा
उतना ज़्यादा हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने के लिए मिलेगा। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज़ हिमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आरबीसी। नॉर्मल बात करें तो 47% हमें मेल में देखने के लिए मिलता है और 42% फीमेल में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बट अगर न्यू बॉर्न की बात करें तो यहाँ पे हमें 55% टू 68% देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है, जो आरबीसी मास है वो ज़्यादा है और इसलिए जो हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन देखने के लिए मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और इसलिए हमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पॉइंट को बढ़ाना हो तो। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज। नॉट टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो यहाँ पे मैं टोटल आपको 7 पॉइंट बताऊँगा। अगर इस 7 पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या दिस इज़ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। एनी विजिबल जॉन्डिस इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ, रैपिड राइज इन सीरम बिलीरुबिन दैट इज़ मोर देन 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर आवर और मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर 24 आवर। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस लास्टिंग फॉर मोर देन 2 वीक इन टर्म एंड मोर देन 3 वीक इन प्री टर्म। एनी कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया इन यूनिट इज टेकन टू बी पैथोलॉजिकल। बट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से भी देखने के लिए मिल सकता है। एनी न्यूनेटल जॉन्डिस विच रिक्वायर थेरेपी, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और बोल सकते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नेवर नीड थेरेपी। न्यूनेटल जॉन्डिस विथ अ साइन ऑफ इनकेफलोपैथी एंड येलो स्टेनिंग ऑफ पाम एंड सोल्स। अभी हम लोग एक क्राइटेरिया पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर पाम्स और सोल में हमें येलो स्टेनिंग देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब जो सीरम बिलीरुबिन लेवल है दैट इज़ मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इन 7ों पॉइंट मन से कोई भी अगर एक पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है तो इट मीन्स दिस इज़ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। तो ऑलरेडी मैंने सारा टर्म जो है उसको डिस्कस कर लिया है, ऑनसेट रेट ऑफ बिलीरुबिन राइज, पीक बिलीरुबिन कंसनट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ परसिस्टेंस, सीरम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल एंड क्लिनिकली हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। लुक्स नॉर्मल नॉट एनीमिक, नॉट सिक नॉर्मल यूरिन एंड स्टूल कलर, लुक एबनॉर्मल एनीमिक सिक एंड एबनॉर्मल कलर ऑफ यूरिन एंड स्टूल। तो क्लिनिकली हमें न्यू बॉर्न कैसा देखने के लिए मिलेगा, बस यही पॉइंट वहाँ पे मैंने छोड़ा था। तो अगर आप लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बच्चों को देखेंगे तो वो आपको नॉर्मल दिखेगा, एनीमिक नहीं दिखेगा, ना ही सिक दिखेगा और यूरिन स्टूल जो होगा उसका कलर नॉर्मल होगा। बट अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें तो बच्चा आपको एबनॉर्मल दिखेगा, इसका अपोजिट एनीमिक दिखेगा और जो कलर ऑफ यूरिन और स्टूल है दैट विल बी एबनॉर्मल। दिस इज़ ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। नॉट टॉकिंग अबाउट कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, तो यहाँ पे मैं टोटल 7 पॉइंट डिस्कस करूँगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है। फर्स्ट इज हीमोलिसिस, और इसको याद करना बहुत ईजी है क्योंकि ऑलरेडी ये सब टर्म हम लोग एनीमिया में भी पढ़ते हैं। आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी, ए बी ओ इनकॉम्पेटेबिलिटी, माइनर ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटेबिलिटी, अल्फा थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एंड G6PD डिफिशियंसी। अगर पूछा जाए सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, आंसर हो जाएगा आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकल सेल एनीमिया डज नॉट कॉज न्यूनेटल जॉन्डिस, और कारण आप लोगों को सबको पता है क्योंकि यहाँ पे सिकलिंग नहीं हो पाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है, क्या सिकल सेल एनीमिया में हमें न्यूनेटल जॉन्डिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेकेंड कॉज सेप्सिस, थर्ड कंजेनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, फोर्थ सिफेलिसमेटोमा, फिफ्थ इनहेरिटेड अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया दैट इज़ क्रिगलर नाजार सिंड्रोम 1 एंड 2 एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, ड्रग्स एस्पिरिन सल्फोनामाइड्स एंड न्यूनेटल कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन तो हो जा रहा है लेकिन जो मूवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें बिलीरुबिन इंक्रीज देखने के लिए मिला दैट इज़ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो कौन कौन से कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है, न्यूनेटल हिपेटाइटिस, बिलियरी एट्रिशिया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी एंड टायरोसिनीमिया एंड गैलेक्टोसिमिया। दिस इज ऑल अबाउट कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। थैंक यू।